कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से भी ज्यादा खास होता है, क्योंकि मुस्कुराहट तो हम सबके लिए लाते हैं, लेकिन गुस्सा सिर्फ हम उनसे होते हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते। ये इंसान बहुत खुदगर्ज है, यदि किसी को पसंद करे तो उसकी बुराई नहीं देखता, और किसी को ना पसंद करे तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। किसी ने ईश्वर से पूछा कि आपके सबसे करीब कौन इंसान होते हैं। ईश्वर ने जवाब दिया कि वो इंसान जिसके पास बदला लेने की क्षमता होती है लेकिन फिर भी वो माफ कर दे। मेरा ये अंदाज कुछ लोगों को खलता है, कितने ठोकरे खाकर भी ये सीधा कैसे चलता है। तुम उन लोगों की परवाह करना छोड़ दो जो तुम्हारा दिल दुखाते हैं, और वो लोग तुम्हारा दिल दुखाना छोड़ देंगे। लोगों को ये तो दिखता है कि वो कितना लड़खड़ा रहा है, लेकिन लोगों को उसके सिर का वजन कभी दिखाई नहीं देता। जो इंसान कभी सुधार नहीं कर सकता, उसे शिकायत करने का भी कोई अधिकार नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति सुधार करता है वो कभी शिकायत नहीं करता। ठुकरा दिया था जिन्होंने तुम्हें तुम्हारा वक्त देखकर, कसम खाओ ऐसा वक्त लाओगे कि मिलना पड़ेगा उसे तुम्हारा वक्त लेकर। हमें हमारे भाग्य से ज्यादा ही मिला है। यदि आपके पाँव में जूता नहीं है तो अफसोस मत कीजिए, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पाँव ही नहीं है। कचरे में फेंकी गई रोटी ये बयां करती है कि भूख मिटने के बाद इंसान अपनी औकात भूल जाता है। अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। क्या आपको है किसी की फिक्र? उस इंसान पर हमेशा भरोसा करना जो आपके अंदर ये तीन चीजें जान ले, मुस्कुराहट के पीछे दुख, गुस्से के पीछे प्यार, और चुप रहने के पीछे वजह। हमारा व्यवहार गणित में शून्य की तरह होना चाहिए, जो खुद कोई कीमत नहीं रखता है, लेकिन यदि किसी के साथ मिल जाए तो उसकी कीमत बढ़ा देता है। इस संसार में जिसको जितना जानने की कोशिश करोगे वो आपसे उतना ही ज्यादा दूर हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे, संसार में सबसे ज्यादा सपने इसी शब्द ने तोड़े हैं। क्या आपके सपने भी टूटे हैं? कोई आपको छोड़कर चला गया, कोई आपको पसंद नहीं करता, चले जाने दो, मत पसंद करने दो। तुम अपने आप को पहचानो, तुम इन सबसे कहीं ऊपर हो। जिस दिन तुमने अपने आप को पहचान लिया, उस दिन ये पूरी दुनिया तुम्हारी कद्र करेगी। भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं होना चाहिए तुम्हारा, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो बनना है तुम्हें।